बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, विटामिन के। आज ये मैं आपको पढ़ाऊंगी विटामिन बेसिक की बुक से कुछ पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए के। पहले अदर नेम स्टार्ट करते हैं। फाइलोक्विनोन और मीनाक्विनोन। एक सेकेंड में इसे जूम इन करना। मीनाक्विनोन, दीज आर सेकेंड नेम्स ऑफ विटामिन के। '1929 में हेनरिक डैम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये ऑब्जर्व किया था कि चेक फीड पे फैट फ्री डाइट्स डिवेलप होती है हेमरेजेस और स्टार्ट करती है ब्लीडिंग। ठीक है, हेनरिक डैम था जिसने इसको डिवेलप किया था, ऑब्जर्व किया था। और 1935 में इसने क्या किया था कि इसने प्रपोज़ किया था कि विटामिन जो के है उसके बाद 1929 यहाँ पे आना था। 1929 में हेनरिक डैम ने क्या कहा था, ऑब्जर्व किया था कि चेक फीड्स जो है फैट फ्री डाइट पे डिवेलप करती हैं हेमोरेजिस को, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 1935 में उसने जाके ये प्रपोज़ किया था कि एंटी हिमोरेजिक सब्सटेंसेस जो होती हैं वो न्यू फैट सोल्यूबल विटामिन थी, जिसे क्या कहा गया, विटामिन के का नाम दे दिया गया। अब विटामिन के क्या है, विटामिन के की दो फॉर्म्स होती हैं, टू फॉर्म्स। ठीक है, उसमें से पहली क्या है, K1। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन, ये एंड K2 जिसे हम क्या कहते हैं, मीनाक्विनोन। ठीक है, K1 और K2 इसकी दोनों फॉर्म्स हैं, जिसे एक को हम कहते हैं फाइलोक्विनोन। अब फाइलोक्विनोन क्या है, ये K1 है और ये K2 है। K1 क्या होती है, प्लांट बेस्ड होती है, और जो K2 है वो सिंथेसाइज होती है बैक्टीरिया से, जो कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाय द इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एंड वेरियस एनिमल्स। चलें जी, आप पढ़ते हैं फंक्शन। ब्लड क्लॉटिंग इसका पहला फंक्शन है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करता है, हेल्प करता है इन मेक वेरियस प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी ग्लूटामेट की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है, और काफ़ी सारे बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स की जो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म्स हैं उनके साइंथेसिस में क्या करता है, हेल्प आउट करता है वाइटामिन के। वाइटामिन के थोड़े से फंक्शन है, क्योंकि वाइटामिन के की डेफिशेंसी डिजीज़ भी बहुत रेयर होती है। ठीक है, और इसके फंक्शंस भी बहुत थोड़े से ही होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब पढ़ते हैं हम डाइटरी सोर्सेज। विटामिन के डाइटरी सोर्सेज, बेस्ट डाइटरी सोर्सेज जो हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें स्पिनच आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, लेट्यूस आ जाता है,
कैबेज आ जाता है, स्प्रोट्स आ जाता है, ब्रुसल्स आ जाता है, लेटिस आ जाता है। दो चार मैंने इसमें नहीं लिखे, वो मैं लिख देती हूँ, स्प्रोट्स। ब्रसल्स, ये हैं इनके वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सोर्सेज। अगर इसमें से किसी का नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब गुड सोर्सेज इसके कौन से हैं, ओट्स, पोटैटोस, टोमेटोस, एस्पेरेगस एंड बटर, इसके गुड सोर्सेज है। अब हम चलते हैं लो लेवल ऑफ सोर्स। अब जी आ गए लो लेवल्स पे। बीफ में कम अमाउंट में पाया जाता है विटामिन के, पोर्क में, हैम में, मिल्क में, कैरेट्स में, कॉर्न्स में, मोस्ट फ्रूट्स में, यानी कि फ्रूट्स में ज़्यादातर विटामिन के नहीं, मतलब बहुत 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 कम पाया जाता है, और मैनी अदर वेजीज में भी ज़्यादा। इसका ग्रेटेस्ट सोर्स, बेस्ट सोर्स क्या है, डाइट्री ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद जो बेस्ट सोर्स यानी कि गुड सोर्सेज हैं वो टोमेटोज, पोटैटोज, एस्पेरेगस, बटर्स एंड ओट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक टेबल है विटामिन के कंटेंट्स का। इसमें स्पिनच बताई गई है कि पर म्यूग्राम ऑफ 100 ग्राम में कितने वो होती है। स्पिनच में क्या होता है 305, ब्रुसल्स में 235, ब्रोकोलाई में 155, रैप सीड ऑयल में 150, सोयाबीन ऑयल में 130, लेट्यूस में 109, कैबेज में 66, एस्पेरेगस में 39, ऑलिव ऑयल में 33, बटर में 7। ये है विटामिन के कंटेंट्स जो कि फूड में कितनी अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जी आ गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, जीजिनम और ईडियम में होती है। डिपेंड करती है बाइल और पेनक्रियाटिक जूसेस पे। जैसे जैसे पेनक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूसेस होंगे वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन होती जाएगी, सीक्रेट होंगे वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन होती जाएगी। इन्हेंस करती है डाइटरी फैट्स के ज़रिए। लीवर क्या है, मेन स्टोरेज साइट है। एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में भी फाउंड होता है विटामिन K1, ठीक है। और इसकी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ की एग्जांपल क्या है, बोन और हार्ट। और ये फाउंड किस परसेंटेज में होता है, किस फॉर्म में होता है, 90% मीनाक्विनोन और 10% क्या है, फाइलोक्विनोन की फॉर्म में ये हमारी बॉडी में फाउंड होता है, ठीक है। अब आ गई डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी वैसे तो अनकॉमन होती है, ठीक है, हेल्दी एडल्ट्स में अनकॉमन होती है, लेकिन जिनमें हो जाए उसमें क्या होता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, लिवर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और मेल एब्जॉर्प्शन कर करती है, ठीक है। इन सीवियर केसेस में क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और न्यूबॉर्न्स में क्या होता है, फेटल इंट्राक्रैनियल हिमरेज होता है, जिसमें क्या होता है स्कल के थ्रू ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब आ गई मेजरमेंट्स। प्लाज्मा विटामिन के कंसेंट्रेशन मेजर्ड होती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी के ज़रिए। इसकी प्लाज्मा में रेंजेस एडल्ट में क्या होती हैं, 0.2 से 3.2 ng/mol, और लो लेवल्स क्या करते हैं, बिलो करते हैं, बिलो देन 0.5 ng/mol, एसोसिएट करते हैं इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग के फंक्शंस के साथ, ठीक है। अब इसके इंट्रेक्शन की बात करें तो नेगेटिव इंट्रेक्शन होते हैं, पॉजिटिव इंट्रेक्शंस नहीं होते। नेगेटिव इंट्रेक्शंस में हम पॉजिटिव की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नेगेटिव इंट्रेक्शंस की बात हो रही है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, क्यूमरिन एंटीकोएगुलेंट सॉरी, ये जिसमें आ जाता है वारफरीन, सेलिकाइलेट्स एंड सर्टीन एंटीबायोटिक्स, ये एंटागोनिस्ट के तौर पर एक्ट करती हैं, ठीक है। अगर हम सप्लीमेंटल हाई इनटेक सप्लीमेंटल का कर लें या डाइट्री का हाई इनटेक कर लें तो वो इनहेबिट कर देती है एंटी कोगुलेंट इफेक्ट को विटामिन के जो कि वारफेरिन होती है। हाई डोजेस ऑफ विटामिन ए एंड ई भी जो है, अगर हम विटामिन ए और ई को भी ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो वो भी इस पर नेगेटिव इफेक्ट शो करेगी विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन में। और एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के डिक्रीज़ हो सकती है मिनरल ऑयल के ज़रिए, बाइल एसिड के ज़रिए, सिक्वेस्टेंट के ज़रिए, कोलेस्ट्रामाइन कोलेस्ट्रिपोल जो होता है वो, और ओलिस्टेट वो होती है जो हम वेट लॉस की मेडिकेशन होते हैं, ये हम तब लेते हैं जब ओबेसिटी हो रही होती है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भी है टैबलेट वर्सेस टेकन इन द ओबेसिटी, ठीक है। अब नेगेटिव इंट्रेक्शन पढ़ा दिया, डेफिशिएंसी पढ़ा दी है,
एब्जॉर्प्शन कैसे होती है बॉडी में वो पढ़ा दिया है, मेजरमेंट्स पढ़ा दिए, जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पढ़ा दिया। अब उसे बता दिया स्टेबिलिटी, ये हमारी लास्ट हेडिंग है, इसके बाद हमारा लेक्चर फाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेबल होता है हीट वेव, मॉडरेटली स्टेबल होता है, बस इसमें यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट था जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।